नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक और कहानी के बारे में, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। वह अपने कष्टों को आकर्षित करने के लिए रोया करती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और बेटे भी चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था, जिसका नाम था पंडित बुधिराम। पंडित बुधिराम ने संपत्ति अपने नाम करवाते समय तो बहुत वादे किए थे, किंतु यह सब वादे खोखले निकले। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। संपत्ति से वार्षिक 150-200 रुपए कमाई हो जाती थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर भी भोजन कठिनाई से मिलता था। बुधिराम की पत्नी रूपा थी, जो स्वभाव से तो बहुत तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। यदि घर के द्वार पर कोई भला आदमी बैठता तो बूढ़ी काकी उसके सामने अपना राग अलापती, और यह देखकर बुधिराम उन्हें भला बुरा कहते। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगता था। पूरे घर में केवल वही थी जो काकी से अनुराग करती थी। वह बुधिराम की सबसे छोटी पुत्री थी। रात का समय था। बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। बुधिराम के बेटे मुखराम का तिलक आया है। घर की स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन व्यवस्था कर रही थी। बहुत सारे पकवान बन रहे थे। घी मसाले की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। यह सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी, किंतु इतनी देर तक कोई उन्हें खाना देने नहीं आया। वह रोई नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि घर में तो शुभ कार्य हो रहा है। रूपा के भय से उन्होंने मौन धारण किया। काकी के मुंह में बार बार पानी आ जाता। पूरी के बारे में सोच रही थी, और अब वह चौखट से उतरी और कढ़ाई के पास जा बैठी। रूपा यह देखकर क्रोधित हुई। वह काकी पर झपटी और बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? भगवान को भोग लगा नहीं है, मेहमानों ने अभी खाया नहीं है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कि बुढ़िया को भरपेट खाना भी नहीं मिलता? बूढ़ी काकी चुपचाप कोठरी में चली गई। रूपा पर क्रोध नहीं किया। उन्हें लगा कि ये मेरी गलती है, मैंने स्वयं जल्दबाजी की। अब वह इंतजार करने लगी। एक एक पल पूरे युग जैसा बीत रहा था। मेहमान भोजन कर रहे थे और वह खाने के बारे में सोच रही थी। अब जब काकी आंगन में गई तो मेहमानों ने पूछा कि यह बुढ़िया कौन है। इतने में पंडित बुधिराम वहां आए और बूढ़ी काकी को वहां से ले गए और कोठरी में जा फेंका। लाडली ने अपने हिस्से की पूरी न खाई। वह उन्हें काकी को खिलाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। जब सब सो गए, वह काकी की कोठरी की ओर चली। उसने काकी को आवाज दी और कहा, पूरी लाई हूं। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने बताया, ये मेरे हिस्से की हैं। अब काकी ने एक एक कर पूरी खाना प्रारंभ किया और सभी पूरी खा ली। लाडली ने पूछा, पेट भर गया? किंतु इतनी सी पूरियों से उनकी इच्छा को और उत्तेजना मिली। उन्होंने कहा, नहीं, माँ से कहो और पूरी ले आओ। लाडली ने कहा, जगाऊंगी तो मारेंगी। किंतु काकी की अधीरता बढ़ चुकी थी। वह लाडली से बोली, मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया। लाडली इस बात का अभिप्राय न समझ पाई और उन्हें उस स्थान पर ले गई।
काकी मेहमानों के बचे जूठे खाने से खाना खाने लगी। अचानक रूपा उठती है और यह सब देखती है। वह करुणा व भय से उसकी आंखें भर आती हैं। वह सोचने लगी कि जिसकी संपत्ति से हमें आय प्राप्त होती है और यह घर चलता है, उसकी यह दुर्गति। अपने मान के लिए आज हमने इतना खर्चा कर दिया, किंतु काकी को भोजन न दे सके जिन्होंने हमें यह सब दिया। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती।